हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अपने किसी भी फोटो या इमेज को रिसाइज कैसे करें। अगर आपका कोई फोटो MB में है, मान लीजिए 4 MB का है वो फोटो, और आपको उस फोटो को KB में करना है, तो उसके लिए आपको किसी ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उस फोटो को एक वेबसाइट से ऑनलाइन ही रिसाइज कर सकते हैं, और ये वेबसाइट बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें क्या करना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर लें। चलिए चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ सबसे पहले हम हमारे गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे webresizer.com। जैसे ही हम इसे सर्च करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा है रिसाइज फोटो हियर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस यहाँ ओपन हो जाता है। अब देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चूज फाइल, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आ जाता है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी ओपन हो जाती है। अब जो भी फोटो या इमेज आपको रिसाइज करनी है तो उसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए वो इमेज यहाँ अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। जो इमेज हमने सिलेक्ट करी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ देखिए, ये इस इमेज की ओरिजिनल साइज है जो कि 5 MB है, और KB में 5771 है, जो कि इस वेबसाइट ने हमें 57 KB कर दी है। अब अगर आपको इसकी साइज़ और कम करनी है तो यहाँ नीचे दिख रहा है इमेज क्वालिटी, ये अभी 80 पर है, तो हम इसे कम करेंगे तो हमारी इमेज साइज और कम हो जाएगी, तो हम इसे 50 करते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है अप्लाई चेंजेस, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, हमारी फ़ोटो की साइज़ कम हो चुकी है, 57 से सीधे 33 KB हो चुकी है। फिर से हम इमेज क्वालिटी पर जाते हैं, अब हम कर देते हैं इसे 30 कर देते हैं। फिर से अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब इसकी साइज़ 24 KB हो चुकी है। ये देखिए, इसकी ओरिजिनल साइज़ 5771 है, और जो हमने अभी रिसाइज किया है उसकी साइज़ है 24 KB। आप इसे चाहे जितनी कम कर सकते हैं। अब इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर डाउनलोड दिस इमेज पर क्लिक करेंगे। ये हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज की साइज़ कम कर सकते हैं इस वेबसाइट की मदद से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और उसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।